लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अल्लाह के बंदो, इन छुट्टियों में, लॉकडाउन में तुमने केरम बननी की, केरम कलबे बनने की, तुमने ताश के पत्ते खेलना बननी की, तुमने जुआ खेलना बननी किया। बस सोचो तो सही, ये मेरा गुंबदो मीनार का शहर मालेगांव, ये मुसलमानों की अक्सरियत का शहर मालेगांव, जहां पर जिस तरफ नजर उठाओ मस्जिद के गुंबदो मीनार नजर आते। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह जब तक चांद और सूरज निकलते डूबते रहे, मेरे शहर के गुंबद और मीनार सलामत रहे। हमारे शहर के अंदर ये सत्वत, ये अजमत, ये इस्लामी इकदार कायम और बरकरार रहे। अल्लाह इस शहर को मजीद बुलंदी दे, तरक्की दे, उरूज दे। लेकिन कितना दुख होता है ना जब हम ये सुनते हैं कि लॉकडाउन हुआ, किस वजह से? हमारे अमाल की वजह से, हमारे बुरे अमाल की, बुरे करतूत की वजह से। कुदरत ने बतौर सजा कारोबार बंद करवा दिए, घरों में मुकैद करवा दिया कुदरत ने। तो होना तो क्या चाहिए था, हम मुसल्ले बिछाते, हम इबादत करते, अल्लाह को मनाते, अल्लाह को राजी करते। यकीनन बहुत सारे नेक ऐसे होंगे जो ये सब करते होंगे, लेकिन अब भी गली में लोग कौड़ियाँ खेल रहे हैं, इसकी रिपोर्ट है। अब भी लोग ताश के पत्ते खेल रहे हैं, अब भी लोग कैरम खेल खेल रहे हैं, अब भी लोग मोबाइल पर जुए खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। सोचो तो सही, कैसे मुसलमान हो कि आज दुनिया की दूसरी कौमें आपका मजाक उड़ा रही है कि और लोग तो घरों में बैठे हुए हैं और आपको घर में बैठना भी नहीं आता। नहीं मुसलमानों, अपना कम से कम अपने मजहब को, अपने दीन को, अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को बदनाम मत करो। और ये वक्त कैरम खेलने का नहीं है, ये वक्त क्रिकेट खेलने का नहीं है, ये वक्त जुआ खेलने का नहीं है, ये वक्त ताश के पत्ते खेलने का नहीं है, ये वक्त पबजी खेलने का नहीं है, ये वक्त कुदरत को मनाने का है। अगर गुनाह किए थे ना, कुदरत नाराज हो गई और ये मुसीबत हम पर आई, अगर अब भी नहीं तौबा करोगे, अब भी नहीं पलटोगे, बला बढ़ती जाएगी, मुसीबतें बढ़ती जाएगी, अल्लाह ना करें वबा बढ़ती जाएगी। और सोचो कल से हमारे शहर में भी ये वबा आ गई, पांच पांच लोग एक साथ एक दिन में इस वबा का शिकार हो गए। एक बंदे का इंतकाल हो गया, छह लोग थे, पांच मौजूद है, एक का इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उन्हें शिफा दे। हमारे जो डॉक्टर हजरात अपनी जानों को खतरे में डालकर उन मरीजों का इलाज कर रहे हैं, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला उन डॉक्टरों को भी अच्छा सिला अता फरमाए, अल्लाह तबारक व ताला उनको इसका बेहतर सिला दे और उनके हाथ में अल्लाह ताला शिफा दे, ताकि मरीजों को अल्लाह ताला फिर से वापस वो उनके घर सेहत और तंदुरुस्त होकर के अपने घर लौट जाए। लेकिन आओ, अल्लाह इस वक्त ऐसा लगता है कि नाराज़ है।